नमस्कार, आप देख रहे हैं बीडी न्यूज़ बिहार और मैं हूं पंकज भट्ट। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि जन्माष्टमी यानी भगवान कृष्ण के जन्मोत्सव समारोह जो कि बेगूसराय में खास करके तेघड़ा, बरौनी, मंसूरचक और भगवानपुर में जोरदार तरीके से मनाया जाता था, कोरोना वैश्विक महामारी को लेकर के इस बार बेहद सादगी के साथ मनाया गया है, जिसमें भगवानपुर में सूर्जकला रामजी फाउंडेशन के सचिव शैलेंद्र सिंह और सोनू ने अपने पूरी टीम के साथ वहां पे अपनी उपस्थिति दर्ज कराई और लोगों के साथ काफ़ी अच्छे तालमेल बैठाते हुए, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए मास्क का भी वितरण किया। वहीं मोक्तियारपुर पंचायत के करजान टोल गांव के राम जानकी ठाकुरबारी में भारतीय जनता पार्टी के वाणिज्य प्रकोष्ठ के मीडिया प्रभारी अविनाश भट्ट ठुमके लगाते भी नजर आए हैं। इतना ही नहीं, तेघड़ा के अनुमंडला पदाधिकारी के दिशा निर्देश में इस बार किसी भी प्रकार की कोई चौका चौंध नजर नहीं आई, जो कि हिंदुस्तान में अपना स्थान रखने वाली जन्माष्टमी का मेला इस बार सूना सूना रह गया। लोगों की खुशियां दबी रह गई। लोग जो अपने घरों में भगवान की पूजा कर पाए वो भी अपने आप में एक अनूठा तरीका से मनाया गया। भगवान को पहले दूध से नहलाया गया, फिर घी से नहलाया गया, मधु से नहलाया गया, इवन कई तरीके से भगवानों के साथ लोगों ने अपनी श्रद्धा व्यक्त की। श्री कृष्ण जन्माष्टमी का त्यौहार वैसे तो पूरे देश में धूमधाम से मनाया जाता था, लेकिन इस बार जो सादगी और जो शालीनता दिखाई गई वो अपने आप में भी भगवान श्री कृष्ण की एक छाया है, कही जा सकती है। आप देखिए ये पूरा वीडियो और देखिए कि किस तरीके से लोगों ने घरों में भगवान के साथ अपनी श्रद्धा सुमन अर्पित किया है। साथ ही ये भी देखिए कि किस तरीके से विभिन्न जगहों के ठाकुरबारी में भगवान का भजन कीर्तन किया गया और किस तरीके से लोगों ने अपनी संवेदना भगवान के प्रति प्रकट की है, अपनी इच्छा प्रकट की और ईश्वर से संभवतः यही कहा होगा कि हे ईश्वर, इस कोरोना जैसी वैश्विक महामारी से पूरी दुनिया को निजात दिलाए। तो आप बने रहिए बीडी न्यूज़ बिहार के साथ। मास्क लेते जाओ, बाहर जाओ, जगह खाली करें।